Welcome to my channel. I'm Anshul here, and right now I am in a place. This is located in Sivani district and near Badalpar and Sapapar. Some beliefs are here. People are saying is some chamatkar is going here, and अभी कुछ नया ऐसा कुछ सुनने में आया है कि यहाँ पे कुछ चमत्कार हो रहा है, कैसा क्या है, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा जानना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों से ही इसके बारे में जाना जाए कि ये क्या चमत्कार है, कैसा क्या है और लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं. इसके लिए थोड़ा सा मैं उन लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का समय थोड़ा सा मैं थक गया था. मैं रात भर सोया नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ. चलिए हम लोगों से बात करते. दादाजी, यहाँ पे ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम तो दरागड़ा के पास में एक टोला है जी, बस उसी के किनारे में एक खेतुन में मोगे का पेड़ है जी. इसमें भगवान भोलेनाथ अच्छा प्रसन्न यानी प्रकट हुए करके बता रहे. अच्छा, सब दुनिया सभी यानी तो कैसे प्रकट हुए कुछ है नहीं कि जैसे मूवीज में दिखाया गया कि भोलेनाथ ब्लैक कलर में है कि ब्लू कलर में है, कैसा? नहीं, वो क्या हुआ, हम जैसे हमको भी पता नहीं था, हमको भी किसी ने बताया, यानी कि आपको अफवाह के माध्यम से पता चला. ओके ओके, थैंक यू. आप कहाँ से आए वैसे? हम कुरई ब्लॉक से. कुरई ब्लॉक से. क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद निवारे. दुर्गा प्रसाद निवारे. आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने तो बस पांचवी. अच्छा, पांचवी तक पढ़ी. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ दुर्गा प्रसाद निवारे जी थे जिन्होंने पांचवी तक पढ़ाई की है, और उनको कहीं से खबर लगी कि यहाँ पे कुछ चमत्कार है, तो उन्होंने बताया कि वो इधर पे आए हैं. साथ में आपका नाम जानना चाहेंगे. मैं गुलाब. गुलाब. पूरा नाम बताएंगे? गुलाब दौड़ के. गुलाब दौड़ के. आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? पांचवी. पांचवी तक आप भी पढ़े. आपको कैसे पता चला यहाँ पे क्या है करके? किसी ने बताया करके हम भी. अच्छा अच्छा, आपको भी किसी ने यानी अफवाह बताई तो आप यहाँ पे पहुंचे. चलिए बहुत अच्छी बात है. बेटा, आपका नाम क्या है? प्रिंस दौड़. प्रिंस दौड़ के. प्रिंस, क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रिंस, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? अभी तो पांचवी पढ़ रहा हूँ. अभी पांचवी पढ़ रहे हो. आपको ABCD आती है? हाँ. सुना सकते हो? A for apple, B for ball, C for. नहीं, एक सिर्फ ABCDEFG करके सुना सकते हो? A B G A B C D E F G H I J K L M N O. अच्छा, आप पांचवी में हो. चलिए, आपको आती है. इसमें से वोवेल कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन से हैं? नहीं पता है ना. चलो कोई बात नहीं. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? आप क्यों आए हैं? जैसे हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? कुछ मिलेगा या किस लिए, कुछ कारण बताओ. बताओ, यहाँ देखिए, बताओ क्यों आए हैं यहाँ? नहीं पता. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ये हमारे साथ एक बच्चे थे, इन्हें खुद नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आए हैं. बस माँ बाप ने उन्हें बोला कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, भगवान के गुण गाओ, तो वो चले आए यहाँ पर. माता जी, मैं आपसे जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? लल्ला भाई दौड़ गए. आप कहाँ से हैं? आप भी कोरई से हैं. अच्छा, तो आप कहाँ तक पढ़ाई करे हैं? क्या हम पढ़े? पढ़े ही नहीं, अनपढ़ है. चलिए कोई बात नहीं है. यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए. अच्छा, दुख होता है, तकलीफ होती है, तब आते हैं. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. मैं और भी लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ. लोग खुल के बात रखें, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि अगर यदि ऐसा कुछ है तो लोगों को पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं है. तो मैं और भी लोगों से यहाँ पर चर्चा करके कोशिश करूँगा, उनसे बात करके. भाई साहब, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? राजू भलावी जी यहाँ पे. अच्छा, भलावी आप आदिवासी समाज से आते हैं ना. अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है भलावी जी? बोलो यार, ये तो अपनी इच्छा के अनुसार. नहीं तो भलावी जी तो बता दे पहले, भलावी जी से जान लें. कुछ लोग ऐसा है कि जो अपने से. नहीं, उनसे तो जान लूँ, आप तो बता दीजिए. अच्छा चलिए, आप आदिवासी हैं, आदिवासी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको कौन सा अनुसूची के अंतर्गत दर्जा प्राप्त हुआ है, बता सकते हैं?
क्या मालूम। अच्छा, आदिवासियों की पॉपुलेशन आपके क्षेत्र में कितनी है, बता सकते हैं? आदिवासी क्षेत्र ही है पूरा, पूरे इलाके आदिवासी। अच्छा, आदिवासियों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला ये पता है आपको? नहीं है। नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ, वो बता देंगे। चलिए आप ही से पूछ लेते, आपका नाम बता दीजिए मुझे। कैलाश वर्मा। कैलाश वर्मा जी हैं। वर्मा जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यानी शूद्र से आते हैं ना। चलिए ठीक है वर्मा जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है, जो तो दिख ही रहा है बस अपने को। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा, आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। मैं भी पहली बार आया हूँ, बस देखने के हिसाब से आया हूँ। अच्छा, आपको कुछ खबर लगी अफवाह, जैसे उन लोगों को अफवाह पता चली थी कि शंकर जी प्रकट हुए हैं करके? अब वहाँ तो कोई शंकर जी ना प्रभु जी कोई नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ। वो तो अंधविश्वास में लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ। अब किसी को उसमें मान्यता मिलती होगी। अच्छा अच्छा। या कुछ तकलीफ दूर हो, यानी कि आप भी इस बात को मान रहे हैं कि ये अंधविश्वास के आधार पे यहाँ पे पूजा की जा रही है, इसमें कुछ ऐसा सार्थक विश्वास नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ वर्मा जी थे जो कि पिछड़ा वर्ग से हैं, और मैं यहाँ पे तलाश रहा हूँ कि कोई तो सवर्ण आया हो जिनका, जो लोग मंदिरों से धर्म से पैसा कमाते हैं। भैया आपका नाम जान सकता हूँ मैं? क्या आप अनकवर करेंगे अपने फेस को? हाँ, आपका नाम जान सकता हूँ? नरेश तुमड़ाम। ये भी एक आदिवासी वर्ग से हैं आप। अच्छा तुमड़ाम जी, तुमड़ाम कितने देव होते हैं? छह देव होते हैं। उनके नाम पता है आपको? नहीं, नहीं पता है। अच्छा, यदि NRC लागू होती है और आपसे पूछा जाता है कि आप छह देव हैं, छह देव के नाम बताओ, तो आप क्या करेंगे? क्या आप डिटेंशन कैंप जाएंगे? अच्छा आपको, लेकिन हमने पढ़े नहीं। अच्छा निकुन कुंडी भाई था बात है ना। अच्छा चलिए, इनको आती है मगर आपके बेटे को नहीं आती, आपके बेटे को, आपका नाती को नहीं आती। अगर इसको यदि डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा कि ये तो साबित नहीं कर पाएगा कि इसको गोंडी नहीं आती, तो कैसे साबित करेगी कि आदिवासी गोंड है सरकार के नियम के अनुसार? चलिए ठीक है, हम पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 9वीं तक। अच्छा आप भी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, चलिए ठीक है। माता जी आपका नाम जान सकते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम बिजलवती तुमराम। तुमराम जी यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे ऐसे कुछ खबर मिली कि चलो महुआ के पेड़ में कुछ देवता लोग उपस्थित हुए हैं। आदिवासियों में एक मान्यता पहले से रही है, इरुकपेन जो कहा जाता है, इरुकपेन को महुए के वहाँ पे आदिवासी तो सदियों से इसकी पूजा करते आए हैं, महुए के पेड़ की। शायद आपके नाती को पता नहीं होगा, तो फिर भी जहाँ तक मुझे याद है कि इरुकपेन की पूजा सदियों से, महुए की पूजा लोग करते आए हैं, और सात देव वालों का संबंध महुए से बहुत घनिष्ठ रहा है, ऐसा ही माना जाता है। नीम हो गया, नीम जो पेड़ होता है, नीम वृक्ष जो होता है, जो कि हमारे, आपने देखा होगा नीम का पेड़ जहाँ होता है वहाँ पे खैरोदाई होती है। तो खैरोदाई कौन है? खैरोदाई भीमालपेन की बहन थी। तो खैरोदाई क्या होती थी कि नीम के पत्ते से गांव-गांव जाके इलाज किया करते थे, तो इसलिए हर गांव के बाहर एक खैरोदाई का ठाना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे इरुकपेन का भी ठाना ऐसा माना जाता है। तो वही इधर पे जैसे उन्होंने कहा, आप ये कह रहे हैं आप यहाँ पे महुए की पूजा करने हैं, महुए के पेड़ की पूजा करने आए, मगर वो कह रहे थे कि भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, तो क्या आपने भोलेनाथ देखा क्या यहाँ पे? नहीं देखा, सिर्फ जाप। तो ये झूठ बोल रहे थे मतलब? नहीं देखे नहीं है, भोले, हाँ। भोले हैं बस ना, यानी कि अंधविश्वास के आधार पे। अच्छा एक सेकंड, बेटा क्या नाम है आपका? प्रांशी। प्रांशी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली पढ़ते हो। अच्छा सुनो तो, सुनो यहाँ क्यों आए हो? अच्छा बेटा आपने एक कहावत सुनी थी, आपने गणेश जी को जानते, गणेश जी को जानते, गणपति देखे, गणपति देखे ना? आपको पता है जब गणपति जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने उनसे कहा था कि कार्तिकेय और गणपति दोनों पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ। तो उन्होंने क्या किया था पता है आपको? उन्होंने किया था क्या कि उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर काट लिए, किसने? गणेश जी ने। और कार्तिकेय पूरी पृथ्वी के ऐसे ही पत्थर पत्थर और पेड़ के पास घूमते रहे, उनको आशीर्वाद नहीं मिला। तो आशीर्वाद किसको मिला? गणेश जी को। तो माता पिता से बढ़कर कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर हम क्यों घूम रहे हैं? पढ़ाई कहाँ तक की आपने? माता ही पिता के आसपास। चलो ठीक है, चलो। आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा चलो कोई बात नहीं माता जी। अच्छा आप ही बता दीजिए आपका क्या नाम है? कविता तुमड़ाम। कविता तुमड़ाम, ये भी आदिवासी समाज से हैं। तुमड़ाम जी
महुए के पेड़ को आदिवासियों की भाषा में किस पेन के अंतर्गत माना गया है? नहीं मालूम। अगर यदि आपको पता है NRC लागू हो गई है हमारे देश में, उसके अंतर्गत यदि आप अपने आप को आदिवासी साबित करना चाहते तो आपको तो भाषा आनी चाहिए, तो फिर आपको तो डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ लोगों से उनके व्यू लेने के। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आपको पता है कि एक बात कही गई थी, समय ही सोना है, ठीक है, टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड, गोल्ड इज बेस्ट थिंग फॉर डिनोमिनेट द इंटरनेशनल करेंसी। तो समय जो है, हम जो इतना समय, यार मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि हम जो समय पत्थरों के पास, पेड़ों के पास इधर उधर घूमने में व्यतीत करते हैं, वो समय हम अपने माता पिता के साथ क्यों व्यतीत नहीं करते हैं? अगर यदि हमको गणपति से सीख लेनी चाहिए, गणपति से ये सीख लेनी चाहिए कि माता पिता से बढ़कर कोई विश्व नहीं है, भगवान और कहीं नहीं है। हालांकि ठीक है, लोगों की आस्था है और आस्था अभी अभी पैदा हुई है, इससे पहले यहाँ पे क्या थी नहीं पता। अभी लोगों ने माना, कोई बात नहीं, लोगों ने मान लिया, अफवाह फैली, अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ धीरे से एक मंदिर बन जाएगा, फिर यहाँ धर्म के ठेकेदार बन आ जाएंगे, फिर मंदिर बनने के बाद वही धर्म के ठेकेदार यहाँ पे कहेंगे कि हिंदू खतरे में तो मुसलमान खतरे में, फिर इस तरीके से फिर राजनीति शुरू होगी और यहाँ का फिर आदिवासी समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति, शूद्र OBC समाज का व्यक्ति वो अपने अधिकारों से फिर वंचित रह जाएगा। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। हालांकि मैं भी किसी बच्चों के साथ आया था और मैं चाहूँगा कि अंधविश्वास से हम बाहर निकलें। माता पिता से बढ़कर किसी प्रकृति में कुछ नहीं है। हम माता पिता को खुश रखें, सारी दुनिया हमारे लिए खुश है। हम अपने पड़ोसियों को खुश रखें, हमारे लिए सब कुछ खुश है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये एक प्लेस है, मैं आपको इसका GPS लोकेशन भेज देता हूँ। और चलिए अपन सभी देखते हैं पाखंडवाद का एक जीता जागता नमूना कि किस तरीके से कम पढ़े लिखे लोग, जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे रहते उन्हीं के बलबूते पे पूरा धर्म चलता है। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं तो वो समझते हैं कि माता पिता को पहले प्रायोरिटी देनी है, पेरेंट्स को प्रायोरिटी देनी है, परिवार को प्रायोरिटी देनी है। और जो गंवार होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो चले आते हैं मंदिर दौड़ रहे हैं, कभी मस्जिद दौड़ रहे हैं। तो वेल, आप लोगों को क्या सोचना है ये आप लोग मेरे को व्यूज़ दें, कमेंट करके बताएं। मैं अंशुल यूँ ही आपके साथ और भी स्टिंग्स करते रहूँगा, लाइव बताते रहूँगा। थैंक्स।